हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लर्न विद तिमन तो देखिए आज हम करने वाले हैं सेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर एट आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार तो चैप्टर मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया था आप लोगों ने पढ़ भी लिया है और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले चैप्टर पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चन के सही आंसर देने की कोशिश करें और जिन बच्चों को टाइम नहीं भी मिलता है तो वो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है अच्छे से याद करिए साथ में चलिए वीडियो बार बार देखिए जिससे कि आपको याद हो जाए क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर जो है कवर करते हैं क्वेश्चन वन देखिए आजादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी आजादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं चल रही थी तो सती प्रथा डाकन प्रथा बाल विवाह दास प्रथा ऐसी जो कुप्रथाएं थी समाज में चल रही थी अठारह सो ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानून किससे किनके प्रयासों से बना अठारह ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून बना वो किनके प्रयासों से बना तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना था और यह कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया था ठीक है अठारह ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया थर्ड क्वेश्चन है राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया तो वह रियासत थी जयपुर रियासत सबसे पहले जयपुर रियासत ने इसे निषेध कानून माना उसके बाद कोटा जयपुर और मेवाड़ यहां पर भी कानून बनाए गए सती प्रथा को उखाड़ने के लिए ठीक है राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया तो सबसे पहले कोटा रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया और इसके बाद कोटा के बाद बीकानेर जोधपुर जयपुर उदयपुर और अलवर राज्यों ने भी इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया तो याद रखेंगे सबसे पहले कोटा रियासत ने कन्यावत पर प्रतिबंध लगाया और सती प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जयपुर रियासत ने कानून वहां पारित किया राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई तो यहां सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी तो बाल विवाह क्या होता था जिसमें जो बेमेल कन्या और पुरुष का विवाह होता था यानी कि बड़ा जो पुरुष होता था और कन्या होती थी तो उसका विवाह कर दिया जाता था एक तरीके से अनमेल विवाह होता था तो ये प्रथाएं जो थी वो राजस्थान में चल रही थी तो बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले आवाज उठाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया तो यहाँ पर बाल विवाह निषेध कानून बनाया था अलवर जिले ने 10 दिसंबर 1903 ईस्वी में दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता था दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता था तो इसे हाली और चाकर इन दोनों नामों से जाना जाता था ठीक है दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम कब पारित किया तो इसे समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा इसे समाप्त किया था राजस्थान की किस रियासत में डाकन प्रथा का प्रचलन अधिक था राजस्थान की किस रियासत में डाकन प्रथा का प्रचलन अधिक था तो मैंने आपको बताया था कि डाकन प्रथा क्या होती है इसमें जो कुछ स्त्रियां होती हैं उन पर डाकन होने का आरोप लगाया जाता है और फिर उन्हें मारा जाता है तो मेवाड़ और कोटा राज्य में डाकन प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक था यह एक तरीके का क्या था अंधविश्वास ही था डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई तो डाकन प्रथा बोले या डायन प्रथा बोले एक ही बात है इस पर रोक लगाई थी अठारह ईस्वी में एजीजी ने ठीक है राजपुताना एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल तो इन्होंने इसे अमानवीय प्रथा बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया था और जो रियासत के शासक थे उन पर दबाव बनाया कि ये प्रथा जो है वो रोकी जाए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इलेवन है ब्रिटिश सरकार ने उन्नीसवी शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया तो इसे देसी शिक्षा यानी इंडिजीनियस एल्यूकेशन इस नाम से संबोधित किया जिसे हम देसी शिक्षा भी कहते हैं राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल और कब खोला गया तो यह स्कूल खोला गया अजमेर में याद रखेंगे राजस्थान में पहला स्कूल जो कि आधुनिक शिक्षा का था अजमेर में 1819 ईस्वी में खोला गया था राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बना दी गई तो अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा जो है बनाया गया 1835 ईस्वी में नेक्स्ट देखिए 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी 19वीं शताब्दी के दौरान किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्रारंभ कर दी गई तो ये जैसलमेर रियासत थी जहां पर अंग्रेजी शिक्षा जो है वह प्रारंभ नहीं हुई थी बाकी सभी रियासतों में ये प्रारंभ कर दी गई थी राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी तो राजपूत शासकों रियासतों के शासकों उनके राजकुमारों पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा जो है वो अलग से इनका प्रबंधन जो है वो किया गया तो सन अठारह ईस्वी में जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी ठीक है राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने की राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब हुई 21 अगस्त 1937 को हुई किसने की पंडित जनार्दन राय नागर ने तो इसमें सभी के लिए शिक्षा ऐसा उद्देश्य रखा गया एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान विद्यापीठ संस्था जो है इसका क्या उद्देश्य था तो इसका उद्देश्य था सभी को शिक्षा मिल सके राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्णाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किए गए राजस्थान में मिशनरी संस्था या कन्या वर्णाकुलर स्कूल ये 1861 ईस्वी में प्रारंभ किए गए ताकि महिलाओं को यहाँ शिक्षा मिल सके राजस्थान का पहला कन्या स्कूल कब और कहां खोला गया तो ऐसा स्कूल महिलाओं के लिए अजमेर में खोला गया सबसे पहला 1866 सौ ईस्वी में पुष्कर, ठीक है पुष्कर अजमेर में सबसे पहला कन्या स्कूल खोला गया कहा राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और बागड़ का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है कि बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है और आदिवासियों का प्रथम मसीहा कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहा हुआ तो इनका जन्म 1904 ईसवी ईस्वी में डूंगरपुर में हुआ था और इसी वजह से इनको बागड़ का गांधी कहा जाता है बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी तो जहां पर बच्चे भी पढ़ सकें और बड़े जो बूढ़े होते हैं वो भी पढ़ सके उनके लिए पाठशाला की स्थापना की और बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की भोगीलाल पांड्या ने ठीक है थीके? जो पाठशाला उन्होंने खोली थी यही जो है आगे चलकर बागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होती है नाना भाई घाट और सेंगा भाई का संबंध किस जिले से है नाना भाई घाट जो कि भील है और सेंगा भाई तो इनका संबंध किस जिले से है तो इनका संबंध डूंगरपुर जिले से है तो जब मैंने आप लोगों को किसान आंदोलन पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने इनकी चर्चा की थी ठीक है कि नाना भाई खाट जो हैं वो भीलों को शिक्षित करने का कदम उठाते हैं पाठशाला खोलते हैं और सेंगा भाई जो हैं यहाँ पर अध्यापक रहते हैं पुलिस ने किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या कर दी थी तो राजस्थान में डूंगरपुर राज्य में जन जागृति सेवा संघ द्वारा जो पाठशाला खोली गई थी तो इसे पुलिस ने बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या कर दी थी तेरह वर्षीय भील बालिका जो अपने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद हुई थी तो उसका नाम था कालीबाई कालीबाई तो काली एक छात्रा थी जो कि अपने अध्यापक को बचाते हुए शहीद हो जाती है तो आज हम यहीं तक करेंगे हमने 24 क्वेश्चन किए हैं चैप्टर एट के और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन तक करेंगे और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट। हो जाएगा तो बार बार मैं ये चीज बोलती रहती हूँ कि आप लोग इनको बार बार पढ़िए बार बार वीडियो को सुनिए ताकि ये चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें कोई भी ट्रिक नहीं होती है इनकी इनको बार बार देखना ही पड़ता है और इनको बार बार सुनना भी पड़ता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए थैंक यू